गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ TQM। एलिमेंट्स जो होते हैं TQM के, वो 8 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपके पास 8 एलिमेंट्स, TQM क्या होता है एक्चुअल में, टोटल TQM क्या होता है, एक डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब कि बताता है एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, एटीट्यूड और ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। उसके 8 एलिमेंट्स होते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन। इन 8 एलिमेंट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे फर्स्ट है फाउंडेशन, जिसके अंदर आते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। सेकंड आता है बिल्डिंग ब्रिक्स, किन पर खड़ी है वो, इनसे बन रही है, ट्रेनिंग, टीम वर्क एंड लीडरशिप। उसके बाद आता है बाइंडिंग मोर्टर, कम्युनिकेशन, एंड रिकॉग्निशन आता है आपका रूफ में, सबसे एंड में बनती है ना रिकॉग्निशन। तो ये जो 8 TQM के एलिमेंट्स हैं, इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, जैसे हमारा एक घर बनता है, सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है, फिर उसमें ईंटें लगती हैं, फिर उसमें सीमेंट लगता है, फिर उसकी सारी बिल्डिंग तैयार होकर छत बनती है ना। तो वैसे यहाँ पे भी हमने फाउंडेशन, बिल्डिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग मोर्टर और रूफ 4 हिस्से कर दिए एलिमेंट्स के, जिसमें फर्स्ट में जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट आता है, सेकेंड में ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, थर्ड में कम्युनिकेशन एंड फोर्थ में रिकॉग्निशन। अब एथिक्स के, एथिक्स क्या होता है, अच्छे बुरे का पता होना, ठीक है, जो कि हर एक को पता होना चाहिए जो एम्प्लॉई है। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, मोरल फेयरनेस, मतलब कि आपकी ऑनेस्टी कितनी है, वैल्यूज का समझती है कंपनी की, नई फेयरनेस और सिंसियरिटी, ये बहुत जरूरी है ताकि, ये वो पार्ट है, ये वो एलिमेंट है जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कंपनी की तरफ से ऑनेस्टी, फेयर डीलिंग मिले, अडेयरनेस, ठीक है, होनी चाहिए। ट्रस्ट, ट्रस्ट जो है वो बनता है आपका एथिक्स और इंटीग्रिटी, मतलब कि ऑनेस्टी और आपके अच्छे बुरे का, जो अगर आपके एम्प्लॉयज़ को पता है और वो जो ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं, उससे ट्रस्ट पैदा होता है हमारे कस्टमर्स के अंदर, टीम वर्क को उसको लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि अच्छी प्रोडक्टिविटी, अगर हमें उस काम की नॉलेज होगी तभी हम वो अच्छे से काम करेंगे, बिना नॉलेज के थोड़ी हम काम कर लेंगे। तो ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क की स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से काम करें, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि टीम वर्क से जो होती है हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बढ़ जाती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। क्योंकि कोई भी जो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उसका मेन एम क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट बने, हम ऊपर जाएं, उसके लिए टीम वर्क की स्पिरिट आपके एम्प्लॉयज़ में होनी बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप, लीडरशिप भी बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छा एक लीडर होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कमांड भी रखेगा, इंटीग्रिटी भी रखेगा, कम्युनिकेशन भी अच्छी रखेगा, है ना। तो लीडरशिप होना हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब में आना ही आना है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन होगा तभी हमारी काम जो है वो अच्छे से हो पाएंगे, ठीक है। फ्रॉम इट बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर, स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन टू रूफ ऑफ द, स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन टू रूफ ऑफ द TQM हाउस, हाउस ही है मैंने आपको कहता है, जैसे मकान खड़ा होता है उसमें पहले हम नींव बैठाते हैं जिसको फाउंडेशन बोला, ईंट पत्थर यूज़ करते हैं जिसको हमने बाइंडिंग बिल्डिंग ब्रिक्स बोला, बाइंडिंग मोटर जैसे हमारा सीमेंट है, फिर छत। तो वही एक तरीके से उन्होंने बोला कि ये जो TQM हाउस है उसका ये एक सबसे बड़ा हिस्सा जो हर एक चीज़ को जोड़ के रखता है। कम्युनिकेशन मीन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या है, क्या मैं बोल रही हूँ और क्या आप मुझसे सुन रहे ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड दी कम्युनिकेशन। आप मेरे से क्या समझ रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ क्लास में आकर, आप मुझसे क्या ले रहे हो, दैट इज़ दी कम्युनिकेशन, है ना। मैं बोली जो आप कुछ ना लो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को बोलना ही ना आए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कौन सेंडर, सेंडर मतलब जो दे रहा है, रिसीवर जो ले रहा है ना। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन सबसे लास्ट और फाइनल एलिमेंट है इंटायर सिस्टम का। इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बोथ सजेशन अचीवमेंट फॉर टीम एज वेल एज इंडिविजुअल। ये सजेशन, अचीवमेंट और
इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज स्ट्राइव हार्ड टू रिसीव रिकॉग्निशन फॉर देमसेल्फ एंड देयर टीम। रिकॉग्निशन क्या, पहचान बनानी, हर एक चीज़ की पहचान। अगर मैं एक कहीं पे काम कर रही हूँ, मुझे अपनी पहचान बनानी, पहचान बनाने के लिए मुझे सारे काम अच्छे से आएंगे, स्मार्ट वर्क करूँगी, मुझे पता होगा कि कैसे करते हैं। तो वो पहचान बनाना हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी काम है और थोड़ा टाइम भी लेता है। और आप कैसे बनाते हो अपनी जगह, ये आपके ऊपर है, आपकी काबिलियत के ऊपर है, है ना। स्ट्राइव हार्ड, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी रिकॉग्निशन बनाने के लिए। अगर आप किसी टीम को लीड करते हो, उस टीम की रिकॉग्निशन बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे अगर हम क्रिकेट टीम खेल रहे हैं, क्रिकेट टीम की इतनी सारी होती हैं, है ना, जैसे आज तो उसमें कौन सी टीम उभर के आती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैप्टन के ऊपर करता है। और उसमें से आप 11 खिलाड़ियों में से आपका नाम कैसे आगे जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे काम कर रहे हो, कितना अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हो, क्योंकि आजकल दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी। तो वो आपको अंदर होना चाहिए ताकि आप एक रिकॉग्निशन, पहचान बना सकें। टेक्निक्स ऑफ TQM, ये टेक्निक्स हैं आपके पास, 16 टेक्निक्स हैं। कस्टमर परसेप्शन सर्वे, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट, टोटल क्वालिटी सेमिनार, क्वालिटी ट्रेनिंग, ये आपने एज इट इज लर्न ही करने हैं, इम्प्रूवमेंट एक्शन टीम, क्वालिटी सर्कल, सजेशन स्कीम, हेल्प कॉल, विजिबल डाटा, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस, फूड प्रूफिंग, जस्ट इन टाइम, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम, ठीक है। तो ये आपके टेक्निक्स हैं, इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी आज आप जो है एलिमेंट्स ऑफ TQM हमने क्या पढ़ा, 8 एलिमेंट्स हैं जो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे हमारा एक घर बनता है, उनके अलग अलग इम्पॉर्टेंस है, और सबसे बड़ी ये सब मिलकर जो है, और आपका एक जैसे घर बनता है वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाती है, ताकि कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। थैंक यू।